हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा यूजीसी नेट के लिए और इन जनरल अगर आपको आईपीआर पढ़ना है तो उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी एक एंटिटी होती है विच कैन बी ओन्ड बाय अ पर्सन, कंपनी, गवर्नमेंट, चैरिटी, एमएनसी, एनजीओ, कोई भी। ठीक है, 50 तरह के लोग हैं जो उसको ओन कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी का जब राइट आता है आपके पास, तो उसके साथ राइट आता है उसके यूज़ का, ट्रांसफ़र का, उससे पैसे कमाने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये सारे राइट बंडल में प्रॉपर्टी राइट के साथ आते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी एक होती है टैंजेबल और एक होती है नॉट टैंजेबल, इनटैंजेबल। तो टैंजेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, इनको आप छू सकते हो। ठीक है, इनको इनकी एक फिजिकल स्टेट होती है जिसको आप छू सकते हो। एक गाड़ी को आप हाथ लगा सकते हो, फील कर सकते हो, एक गाड़ी है भाई। लेकिन जो दूसरे इनटैंजेबल टाइप की प्रॉपर्टी हो गई, जैसे एक कंपनी के अंदर शेयर्स हो गए, ठीक है, अब वो शेयर्स जो कंपनी के अंदर है ना, वो आपकी ओनरशिप दिखाते हैं, लेकिन आप पर्सनली जाके ऐसे फिजिकली शेयर्स को छू नहीं सकते, तो वो इनटैंजेबल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो आईपीआर भी एक तरह की इनटैंजेबल प्रॉपर्टी होती है। आईपीआर होती है कि इनटैंजेबल प्रॉपर्टी जो रिजल्ट होता है आपके इंटेलेक्चुअल लेबर का, आपके इंटेलेक्ट का, इंटेलिजेंस का, वो रिजल्ट होता है जो आईपीआर की प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब देखो, जो गाड़ी हुआ, घर हुआ, टैंजेबल प्रॉपर्टीज़ हुई, और जो प्रॉपर्टी अपनी ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन आईपीआर एक थोड़ी नई फील्ड है। ठीक है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अभी रिसेंट पास्ट में ही बने हैं। क्यों बने? अब मान लो एक आदमी है, उसको आइडिया आया। अब आइडिया सिर्फ आदमी को नहीं आ सकता, औरत को भी आ सकता है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। अब मान लो किसी पर्सन को आइडिया आया कि उन्होंने देखा कि ये रेफ्रिजरेटर है, अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है, उनको आइडिया आया कि ये रेफ्रिजरेटर में हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करें तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 50% कम हो सकता है। ठीक है, अब इनको आइडिया आया, आइडिया आते ही नहीं वो अप्लाई कर देते। ठीक है, उस चीज़ पे उन्होंने रिसर्च करी, एक साल इन्होंने दोनों ने मिलकर रिसर्च करी इस आइडिया पे, और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, इनका खर्चा भी हुआ बहुत सारा, फिर इन्होंने एक नई टेक बनाई जिसमें बिजली का कंजम्पशन 50% कम हो रहा है। ठीक है, इन्होंने वो रेफ्रिजरेटर बनाया, मार्केट में उतार दिया अपने नए ब्रांड के नाम से। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में उतरा, दूसरे ब्रांड्स ने देखा कि अरे ये रेफ्रिजरेटर इतनी कम बिजली कैसे खा रहा है, उन्होंने रेफ्रिजरेटर एक ख़रीदा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, और उनको एक दिन में पता पड़ गया कि अच्छा ये इन्होंने चेंज किया है। लेकिन इनको साल लग गया क्योंकि इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी, इनके पास कोई रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए पहले से रेडी प्रोडक्ट नहीं था। तो जो इनकी मेहनत का और रिसर्च का जो एफर्ट है वो कंपनी को नहीं लगाना पड़ा, और वो कंपनी अगर वही की वही टेक अपने फ्रिज में लगा दे तो उनको फ़ायदा मिल गया, और इनका फ्रिज एक तरह से नॉर्मल फ्रिज हो गया क्योंकि अब सब कंपनियां वो लगा रही हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक एग्जांपल है, ये जो चीज़ है ना, इसको बचाने के लिए, ऐसा ना हो, इन दोनों के जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, इनको इंसेंटिव देने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए। तो जो इनका केस है उसमें इनको मिल जाएगा नई टेक पे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? नया इन्वेंशन होता है ना, ये हम आगे पेटेंट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जनरल जान लो। नया इन्वेंशन होता है तो उस इन्वेंशन पे आपको राइट मिल जाता है, आप उसको सेल कर सकते हो, उसकी रॉयल्टी ले सकते हो वगैरह वगैरह, ताकि इनकी रिसर्च और मेहनत, इंटेलेक्चुअल मेहनत वेस्ट नहीं जाए। दूसरे तरह के जो मेजर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ट्रेडमार्क। अब जैसे मान लो आपका ब्रांड है, जैसे एडिडास है, अब एडिडास ने इतनी ज़्यादा ब्रांड इमेज बनाने के लिए सालों लगा दिए अपने, वो तीन स्ट्राइप वाला जो इनका डिज़ाइन है, उस लोगो को इन्होंने बहुत साल तक मेहनत करके, अच्छी क्वालिटी देके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना के उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बनाई। अब कल को कोई नया ब्रांड आए और वही लोगो लगा के जूते बेचने लग जाए तो लोगों को थोड़ी ना इतना पता होगा कि ये एडिडास है या लोकल एडिडास है, तो उनको ट्रेडमार्क मिल जाता है कि हाँ भाई आपका ये मार्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तीसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क पे। मान लो कोई किताब लिखी हो किसी ने, तो वो किताब पे कॉपीराइट मिलेगा, ड्रामा पे कॉपीराइट मिलेगा, किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो लिटरेरी वर्क्स होते हैं ना जितने भी, वो सारे कॉपीराइट के अंडर में आते हैं। तो ये मेजर मेजर तीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। उनके अलावा भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी होता है, और भी दूसरे होते हैं, वो हम डिटेल में जब आगे दूसरे स्पेसिफिक वीडियो पढ़ेंगे, पेटेंट का हम अलग वीडियो बनाएंगे, ट्रेडमार्क का, तब पढ़ेंगे। तो समझ रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली होता क्या है। अब आईपीआर की बात कर रहे हैं तो वीपो की बात करना जरूरी है। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि जो कन्वेंशन जिसने एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो को, वो फोर्स में आया था 26 अप्रैल 1970 को, तो 26th अप्रैल इसलिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे माना जाता है। अब विपो का ऑब्जेक्टिव क्या है और विपो एक्चुअली है क्या? यूएन में देखो, अपन ने पढ़ा था कि यूएन के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, एक जनरल असेंबली होती है, एक सेक्रेटेरिएट होता है, फिर ऐसे एक इकोसॉक है, ठीक है, ये सारे जनरल जनरल ऑर्गन्स हैं यूएन के। इनके अलावा 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, ठीक है, वो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में एक विपो है। विपो वॉज क्रिएटेड इन 1967 टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये विपो का पर्पस है। अब विपो डिफाइन करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे? विपो कन्वेंशन स्टॉकहोम में जो हुआ था उसका आर्टिकल 2 क्लॉज 8, ये डिफाइन करता है आईपीआर को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड द राइट रिलेटिंग टू, ये 7 कैटेगरीज, ठीक है, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, साइंटिफिक, अब ये देखो ये काफ़ी ब्रॉड हो गया, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, कमर्शियल नेम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, ये सब आईपीआर के अंडर में आता है। और वाइड कर दिया इन्होंने इस डेफिनेशन को ये डाल के, एंड ऑल अदर राइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड। तो काफ़ी वाइड डेफिनेशन दे रखी है आईपीआर की विपो ने, मतलब जितनी वाइड हो सकती उतनी। अब बात करते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट की। अब देखो, ट्रिप्स अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरह से मान लो माइलस्टोन है आईपीआर डेवलपमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे। इसका फुल फॉर्म है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स अग्रीमेंट बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये 1 जनवरी 1995 से, काफ़ी रिसेंट है ये, काफ़ी पुराना नहीं है, 1995 से इफेक्टिव है। सारे WTO मेंबर्स ट्रिप्स अग्रीमेंट की पार्टी हैं, ठीक है। ये ट्रिप्स अग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ था उरुग्वे राउंड, जो लास्ट राउंड था गैट का। गैट क्या था? गैट थी जो अथॉरिटी जो WTO से पहले थी, गैट बाद में WTO बन गया एक तरह से, ऐसा मान लो। अब ये ट्रिप्स का पर्पस क्या है? ट्रिप्स का कोई एकदम हार्ड कोर रूल्स देना नहीं है, ठीक है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड अग्रीमेंट है। मिनिमम स्टैंडर्ड अग्रीमेंट मतलब ये मिनिमम बताता है कि भाई इतने राइट्स, इतनी लेजिस्लेशंस आपके खुद के स्टेट के लीगल सिस्टम में होनी चाहिए, और ये फुल लिबर्टी देता है ट्रिप्स अग्रीमेंट हर कंट्री को कि भाई उनके हिसाब से आप देखो कि ये जो प्रोविजंस है हमारे ट्रिप्स अग्रीमेंट के, आप इनको अपने लीगल सिस्टम में कैसे डालना चाहते हो, ठीक है। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट हो गया ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस ट्रिप्स अग्रीमेंट के बाद ही इंडिया में काफ़ी अमेंडमेंट हुए और आईपीआर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो ये मेन मेन लेजिस्लेशन है, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिज़ाइंस एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट, सेमीकंडक्टर, ये काफ़ी डीप में हो गया, ठीक है। तो मेजर मेजर ये लेजिस्लेशंस हैं आईपीआर के इंडिया में, और आप देख लो ये सारे के सारे ट्रिप्स के बाद एक बार तो अमेंड हुए ही हुए हैं, ठीक है। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट का इन सारे लेजिस्लेशन पे एक फ़र्क पड़ा था, इसलिए ट्रिप्स अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये था जनरल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीआर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, और लाइक से भी ज़्यादा अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईपीआर की हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं, इसको हम फटाफट 3 से 4 दिन में पूरा निपटा देंगे, 2 वीडियो रोज के। तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू गाइज, और दूसरे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर टॉपिक्स पढ़ने हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।